तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मांपी डॉट राहुल। तो आपने पिछले वाला वीडियोस देखा ही होगा, आपको इतने बढ़िया कलेक्शन, इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन मैंने आपको दिखाया है, सब कुछ आपको बताया था। और मैंने लास्ट में ये भी बोला था कि एक और व्लॉग आने वाला है, उसमें हम लोग सारा डिटेल्स में बातें करेंगे। और जो भी जो आप बिजनेस करना चाहते हैं रिगार्डिंग उसके बारे में हम लोग बातें करना चाहते हैं। तो अभी हमारे साथ एक अजमेरा फैशन के ऑनर नमस्ते। और आप बताइए सर कैसे हो? एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। आपकी आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। सो आप बताइए सर, वैसे आपके ये मुझे बहुत प्यारा लगा आपका ये सब कुछ, जितना मैंने देखा बहुत अच्छा लगा। ये फर्स्ट टाइम भी देखी हम लोग, बहुत बहुत अच्छा लगा। हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा, कमेंट्स में भी बहुत ऐसे आ रहे हैं। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया है आपके व्यूअर्स तक। अरे नहीं सर, मौका तो हमें मिला कि मैंने इतने अच्छे कलेक्शन दिखा पाया। बहुत कमेंट में अच्छा अच्छा कमेंट्स कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो बेसिकली ये व्लॉग्स आप लोग के लिए, आप लोग के मन में बहुत सारे सवाल थे कि पिछले वाले व्लॉग में बताया नहीं, सिर्फ कलेक्शन दिखाया आपको। तो इस वाले व्लॉग में आपको सिर्फ ये आपको जानने को मिलेगा कि हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं और क्या आगे बढ़ सकते हैं। तो वो सब हम अपने सर से पूछते हैं। सर आप बताइए कि अगर कोई अगर स्टार्ट करना चाहे बिजनेस तो वो कैसे करेगा? नया बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो कई तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है। बड़ी शॉप करी जा सकती है, एक लेडीज हैं घर से छोटे रूप में भी स्टार्ट कर सकती हैं, 20,000, 25,000 या 30,000 रुपए लगा के घर से बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लेडीज लोगों के लिए। बड़ा शोरूम भी किया जा सकता है, होलसेल किया जा सकता है, हमारे यहाँ से ले जाके आप बल्क कपड़ा ले जा सकते हैं। और आपके एरिया में जहाँ पे आपने बंगाल में कहाँ बताया? और बंगाल में हम लोग कालीघाट में रहते हैं। कालीघाट में रहते हैं, कालीघाट के आजू बाजू जो भी आपके गांव हैं छोटे मोटे, वहाँ पे जो रिटेलर्स हैं उनको भी आप सप्लाई कर सकते हैं, होलसेल कर सकते हैं, जैसा भी चाहें आप कर सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी स्पेशली लेडीज लोग के लिए या एक रिटेलर के लिए जो एक गाँव के रात में बैठा हो, उनके लिए ये रहती है कि हमारे यहाँ रेट का कोई डिफरेंस नहीं रहता। आप होलसेल लेंगे तो भी आपको वही रेट मिलने वाला है। आप अगर रिटेलर हैं, एक एक सेट करके लेना चाहते हैं 20-25 हज़ार रुपये का, या लेडीज हैं घर से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भी हमारे यहाँ से वही रेट में आपको कपड़ा मिलेगा जिस रेट में एक डीलर को मिलता है या होलसेलर को मिलता है। देखो इतना ज़्यादा एडवांटेज है अजमेरा फैशन से। तो सबसे बड़ी बात कि हम लोग सोचते हैं कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो यार बहुत पैसे लगाने पड़ेंगे, इस वजह से हम लोग स्टेप पीछे ले लेते हैं कि नहीं है। बट यहाँ पे आने के बाद मैंने आप लोगों को एक बहुत सर ने जो बताया कि आप अगर 20-25-30 हज़ार से भी अगर स्टार्ट करना चाहते हो, बस आप मन बना लो, बाकी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, आप छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हो। और करने के बाद आप सक्सेस तो भाई आपको पता ही है। और सर आपने कैसे स्टार्ट किया सर ये बताइए, मुझे जानना है कि आज आप यहाँ हैं तो आपने मैं आपने कोई और बिजनेस क्यों नहीं चूज किया, आपने ये यही चूज़ किया? ऐसा तो नहीं कि मैंने इसको चूज किया, एक्चुअली मैं तो फिल्मों में जाना चाहता था, मुंबई हीरो बनना चाहता था 1992 में। वैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया इनका स्माइल इतनी प्यारा, ये जा भी सकते थे बट आपने गया क्यों नहीं? गया भी था मुंबई एक दिन के लिए। तो सर बताइए आपने लाइक ये फील्ड को क्यों? जी जी, एक्चुअली मैं मुंबई जब पढ़ाई करता था तो एक वो चकाचौंध बॉलीवुड की आंखों पे थी, पूरी हीरो बनने की ख्वाहिश थी। सिक्कर राजस्थान में मैं रहता था तो वहीं पढ़ाई कंप्लीट करी थी। तो सूरत में मेरे रिलेशन में रहते थे मेरे जिया जी, कपड़े का ही काम करते थे। तो मैंने ये सोचा चलो जिया जी के पास चलते हैं, मुंबई नज़दीक ही है, सूरत तक तो चलते हैं फिर मुंबई भी पहुँच जाएंगे। मुंबई एक दिन के लिए गया भी था लेकिन एक रात में ही वापस आ गया क्योंकि शायद नियति को मंजूर नहीं था कि मैं फिल्मों में जाऊं, कपड़े का बिजनेस करवाना था। तो फिर मैंने यहाँ वापस आया मैं और यहाँ आके फिर मैंने सबसे पहले ब्रोकरेज स्टार्ट करी कपड़े की, जो जीआईएम करते थे काम बिजनेस उसी से रिलेटेड हमको भी करना था।
नौकरी स्टार्ट करी, थोड़ा बहुत सीखा, फिर नौकरी करी है बहुत ही लीडिंग कंपनी थी वहाँ पे, मैंने 19 साल नौकरी करी वहाँ पे, 19 इयर्स। 2011 में अजमेरा फैशन हमने चालू किया, तो इस तरीके से 2011 और आज 2022 जी 11 साल हुए हैं और इतना सब कुछ। कहते हैं मेहनत कभी बेकार नहीं जाता, मैं तो बहुत छोटा हूँ अब, मैंने भी अपना कैरियर लाइक ऐसे स्टार्ट किया था यूट्यूब शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब एंड ऑल, बट आपको मेनली ये दिखाना था कि आप अगर सोच रहे हो बिजनेस के लिए, जो लोग हाउसवाइफ है वो लोग भी घर में बैठे आराम से कर सकते हो, ये हुई ना बात, देख रहे हो। देखिए कोई भी काम किया जा सकता है, आपके मन में उसको करने की कितनी इच्छा है और कितना डेडिकेशन से आप काम करते हैं उस पर डिपेंड करता है। लोग करते काम हैं, नौकरी भी करते हैं, मैंने नौकरी भी करी थी तो सर मैं ऐसे ही नौकरी करी थी कि वो मेरा काम था और उसमें पूरे डेडिकेशन के साथ, मैं कोई मुझे ये जानता भी नहीं था कि अरे ये स्टाफ है यहाँ, सब यही जानते थे कि इन्हीं की कंपनी है, इनका ही काम है। जब मैंने वहाँ से छोड़ा तब लोगों को पता लगा अरे बाप रे वो नौकरी करते थे यहाँ पे, ऐसी ऐसी पोजीशन थी। जो भी आप करो, आप नौकरी करो या कुछ भी करो, पहले तो एक मन होना चाहिए, जैसा आपने बोला कि मन बनाना है आपको, एक स्टेप उठाना है। 1000 किलोमीटर की यात्रा जो होती है एक स्टेप से ही शुरू होती है, तो आपको खाली मन बनाना है कि मुझे कुछ करना है जिंदगी में, या तो हाउस वाइफ बन के रहिए या फिर नौकरी करते रहिए। नौकरी से कुछ नहीं बदलने वाला है, घर की सब्जी बदल जाएगी आप, आज आलू की कल भिंडी की परसों तुरई की बन जाएगी, जिंदगी आपको बदलनी है तो आपको बिजनेस की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। उसमें बिजनेस में एक ऐसा कभी मोमेंट आता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जैसे आपने बताया कि आप पहले जॉब करते उसके बाद आप इधर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 2011 में मैं छोड़ के, अच्छी खासी नौकरी छोड़ के 2 लाख रुपए पर मंथ मुझे मिलता था, कोई जरूरत नहीं थी मुझे छोड़ने की, उससे भी मैं सेटिस्फाइड था। लेकिन अगर आपको कुछ बदलना है, जिंदगी बदलनी है, तो आपको नौकरी से बिजनेस की ओर आना पड़ेगा। और मैं तो सबसे बड़ा ऑप्शन आपको ये देता हूँ कि आपको नौकरी छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, आप नौकरी कर रहे हैं करते रहिए, आप जॉब ढूंढ रहे हैं ढूंढते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर पे आपकी मम्मी है, आपकी दीदी है या आपकी वाइफ है, आप उनसे छोटे रूप में इस बिजनेस को करवा सकते हैं साइड वे में, ठीक है। आप 6 महीने उनको सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा 6 महीने में आपको ऐसा लगता है कि यार ये घर से बिजनेस करके मैं इतना अच्छा कर ले रहा हूँ, अगर मैं अपनी नौकरी छोड़ के इसको एक अच्छी शॉप अगर करता हूँ तो मैं बहुत अच्छा कमा सकता हूँ, फिर आप डिसीजन लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, तब छोड़िए आप अपनी नौकरी को, अपने काम को नहीं छोड़ना है। एक चीज मैंने भी सीखा है कि लाइफ में, मतलब तो मैंने भी मम्मी को स्टार्टिंग में ऐसे ही सपोर्ट किया था कि आप कुछ भी करो बट ठीक है आप यूट्यूब करो, अपना काम भी करो। तो आज आपके सामने है मम्मी, तो ठीक है आप जॉब कर रहे हो या अगर आपको साइड से कुछ बिजनेस चाहिए, आप सोच रहे हो इसमें मेरा नहीं गुजारा हो सकता है, तो आप एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। खर्चे इतने बढ़ गए हैं ना, आज बच्चों को स्कूल में पढ़ाने जाए तो इतनी इतनी फीस होती है सब कुछ। मैंने तो बहुत फेस देखे हैं सर, ऐसे ऐसे फेस देखे हैं जब मेरे को अपना गहना तक बेचना पड़ा था सर, मेरा घर गिर भी था, मेरी गाड़ी गिर भी थी, सब कुछ गिर भी था। लेकिन क्या ठीक है, अपन एक डेडिकेशन के साथ किसी चीज में लगे हुए हैं, पूरी हिम्मत के साथ जुनून के साथ उसमें जुटे हुए हैं, तो सबका समय आता है, सबका समय आता है, और घबराना नहीं चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ किसी भी चीज से, किसी भी हर्डल से आपको टेंशन में आने की जरूरत नहीं, चुनौतियां आएंगी, ये बिजनेस भी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप ले गए कपड़ा और वहां जाके बिक गया और बस पैसा ही पैसा आ गया, ऐसा नहीं होने वाला है। कोई भी चीज में समय लगता है सेट होने में, लेकिन किसी भी और बिजनेस की तुलना में मैं ये कपड़े का बिजनेस इजी बताता हूँ और 10 times ज्यादा चांसेस सक्सेस होने के बताता हूँ मैं। वो इसलिए होता है क्योंकि देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज इसके अंदर क्या है, किसी डिग्री की जरूरत नहीं है आपको करने के लिए,
आपको अगर पैसा गिनना आता है ना तो आप ये बिजनेस कर सकते हो। एक लेडीज जो घर पे साग भाजी खरीद सकती है वो ये बिजनेस को कर सकती है। दूसरी चीज, ये प्रोडक्ट जो है इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, खराब नहीं होता है। सब्जी है आज खरीद लिया, तीन दिन में नहीं बनेगी तो चौथे दिन गल जाएगी, खराब हो जाएगी, वो नहीं है। आज नहीं बिका है, एक महीने बाद बिक जाएगा, दो महीने बाद बिक जाएगा, खराब होने वाला नहीं है। तीसरी चीज ये है, आज आपके पास सफिशियंट कपड़े हैं पहनने के लिए, एक साल तक आपको नहीं खरीदना है। लेकिन फिर भी जिस माहौल में, जिस संस्कृति में हम लोग रहते हैं, वहाँ देने लेने के लिए एक बेबीज की, किसी के एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, देने लेने के लिए 10-20 पीस लग जाने बहुत मामूली बात है। तो इतनी डिमांडेबल प्रोडक्ट है जिसको खराब नहीं होता है, और बिना पढ़ा लिखा आदमी भी बिना किसी लाइसेंस के कर सकता है। तो ये बिजनेस तो मैं कहता हूँ 10 times ज्यादा चांसेस है ही है किसी भी और बिजनेस की तुलना में सक्सेस होने के। और ऐसे भी आप अलमारी में देखेंगे तो मंत्री नाम बताएं, मम्पी, मम्पी, हाँ ओके, मम्पी के ड्रेसेस मेरे ख्याल से आपको वो आपके पैंट शर्ट 5-7 ऐसा होता है। लेडीज लोगों को हर फंक्शन के लिए अलग साड़ी चाहिए होती है, अलग ड्रेस चाहिए होती है। हमारा पैंट शर्ट तो सिंपल, और मेरा तो ऐसा है कि मेरी ड्रेस ऐसी है, व्हाइट एंड व्हाइट रहता हूँ मैं हमेशा, इससे बचने के लिए कि सुबह सुबह 15 मिनट कौन टाइम बिगाड़ेगा, ये मैचिंग सही नहीं लगी, ये मैचिंग सही नहीं लगी, इसलिए हमेशा एक ही निकाल के पहनना है और चल देना। तो लेडीज लोगों का जो ये कपड़े का काम है, कपड़े के जो प्रोडक्ट है, बहुत डिमांड में रहने वाले हैं, हमेशा डिमांड इनकी बनी रहेगी जब तक इनकी चॉइस बनी रहती है। और मैं तो बोलता हूँ खूब एक फंक्शन में 2-2 कपड़े पहने, एक एक दो बर्थडे होता है तो एक उनसे पहले एक ड्रेस है, उसके बाद एक ड्रेस, उसके बाद एक ड्रेस, और यहाँ से एक कुछ परचेज कर सकते, सिंगल नहीं कर सकते हैं आप। बिजनेस करने के लिए हम देते हैं B2B जिसको बोलते हैं, आप बिजनेस करने के लिए चाहे जितना कपड़ा हमारे यहाँ से ले सकते हैं, एक ही प्राइस में मिलेगा। कोई 1 करोड़ का कपड़ा खरीदे या 1 लाख का खरीदे या 20,000-25,000 रुपए का खरीदे। सूरत में एक सिस्टम ये भी है कि यहाँ डीलर और होलसेलर के अलावा कोई कपड़ा देता नहीं है। अजमेरा फैशन ने फर्स्ट टाइम ऐसा चालू किया है। अगर कोई लेडीज कोई छोटा बिजनेस करना चाहता है या कोई रिटेलर है ऑलरेडी काम कर रहा है अपने गांव देहात में बैठ के, तो वो हमारे यहाँ से कपड़ा मंगवा सकता है, उसी रेट में ले सकता है जिस रेट में एक डीलर ले जाता है। बेसिकली जब सर अपने टाइम में ऐसा स्ट्रगल देखें तो वो चीज सोच के इन्होंने ये चीज करा कि नहीं मिडिल फैमिली भी कर सकते हैं, तो ये चीज बहुत बड़ी बात है। आज 5,000 से ज्यादा लेडीज ऐसी है जो हमसे जुड़ी हुई है सर, और इस बिजनेस को हमारे साथ जुड़ के घर से स्टार्ट किया उन्होंने, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर। और उससे भी बड़ा अचीवमेंट ये है कि उनमें से लगभग 100 तो कम से कम होंगी जिन्होंने घर से स्टार्ट किया था और आज वो शॉप में कन्वर्ट कर चुकी है, कोई घर का जेंट्स उनके साथ इन्वॉल्व है उस शॉप में। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेट मत करो, अगर आपको साइड से कुछ करना है या बहुत सारे मन में कुछ सवाल होंगे तो स्क्रीन पे नंबर होगा और आप देख लेना, आप बातें कर लेना, आपको एक एक चीज, एक एक हर चीज के सवाल के आंसर आपको मिल जाएंगे। और बहुत यहाँ की जो बिहेवियर है बहुत सही है, बहुत बहुत सही है, मुझे तो बहुत मजा आया बात करके। और स्पेशली ये ब्लॉग इसलिए बनाना था क्योंकि मुझे देखना था ये इन सब के राज के पीछे, मतलब वो शख्स जो होता है ना, एक होता है ना क्यूरियोसिटी जानने का कि मुझे बात करना है। अगर कोई इंसान सक्सेस होता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सीखने को मिलता है। तो फाइनली मैं आपको उन सब से ही मिलवाया ताकि आप मोटिवेटेड हो जाओ और आप भी लाइक एक स्टेप पीछे नहीं आगे लेके सीधा चलना है। तो गाइस ब्लॉग ज़्यादा लंबा बन गया है, तो लास्ट में आप कुछ कहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिल्कुल, बस मैं हमेशा कहते हैं
खाली ना बैठे, समय का सदुपयोग करें। और लेडीज हैं तो उनके पास भी समय रहता है, जेंट्स हैं तो उनके पास भी समय रहता है, कोई भी है। मैं अपने दिन को तीन उसमें डिवाइड करता हूँ सर, 8+8+8, 24 आवर्स सबको ईश्वर ने दिए हैं। 8 घंटे आप जो काम कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं तो पढ़ने के लिए, आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करने के लिए, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में जाने के लिए, 8 घंटे रेस्ट करने के लिए चाहिए, सोता है आदमी। बाकी जो बचे हुए 8 आवर्स होते हैं, 8 घंटे उसमें आप क्या करते हैं, इस पर आपका जीवन निर्भर करता है, आपकी आने वाली जिंदगी उस पर डिपेंड रहती है। तो आप खाली ना बैठें, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहें। अगर उस 8 घंटे के पीरियड में कोई ऐसा है जो बिजनेस करना चाहता है तो जुड़ सकता है, कपड़े का बिजनेस करना चाहता है तो जुड़ सकता है, स्क्रीन पे नंबर आपको मिल जाएगा। और जो ये बेस्ट था, अगर आप घर बैठे हैं, आप अजमेरा फैशन से जुड़ोगे तो इतना तो मैं बोलूंगा, इतना सब कुछ देखने के बाद फिर सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। सो मच आपका प्रेशियस टाइम हमने लिया और आपकी बात लोगों तक हमने पहुंचाया है, थैंक यू सो मच दिल से। और सच में आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, आप हीरो बन जाते आप एक दिन में, बट शायद कोशिश करनी होती लेकिन लेकिन मैं अभी यहाँ से सेटिस्फाइड अच्छा हूँ, उसमें शायद मैं अपने लिए ही कुछ कर पाऊँ, नहीं यहाँ आपने बाकियों के लिए किया, लेकिन यहाँ मैं मेरे साथ हमारी इस अजमेरा फैमिली के अंदर, अजमेरा परिवार के अंदर 350 लोग हैं जो हमारे असली हीरो तो हमारे साथ रहे इधर, नहीं ठीक है, तो वो लोग जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है और नए लोगों को जोड़ते हैं और उनका भी कुछ ना कुछ बिजनेस करने के लिए उनको करते हैं। तो मैं अपने आप को समझता हूँ कि नहीं, हाँ मैं सेटिस्फाइड, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने मौका दिया है हमें आपके व्यूअर्स तक पहुंचने का आपके चैनल के माध्यम से, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, मिलते हैं बाद में।